खम्मा घणी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए मारवाड़ी कलेक्शन के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। खम्मा घणी मारवाड़ी कलेक्शन में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वो बच्चों से संबंधित है। ये कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो आज भी प्रचलित है और कई जगहों पर इन्हें माना जाता है। इनका मेन मोटो सिर्फ बच्चों को नेगेटिव एनर्जी से दूर रखना है। रात को कभी भी बच्चों के कपड़े बाहर ना सुखाएं। माना जाता है कि इससे बच्चा बीमार हो सकता है या फिर इस पर टोटके होने का खतरा रहता है। जब घर में नवजात शिशु हो तो घर के बाहर एक मटका रख देते हैं जिसमें आग जलाई जाती है और उसके अंदर कुछ उपले और कुछ और चीज़ें डालते हैं। माना जाता है कि इससे नेगेटिव एनर्जी बाहर ही रहती है। बच्चों के जब पहली बार बाल काटे जाते हैं तो इन्हें सांचा बाल बोलते हैं। इन्हें संभाल कर रखा जाता है क्योंकि इन पर टोटके होने का खतरा रहता है। नवजात शिशु को उसके कुलदेवी कुलदेवता की जात लगानी चाहिए ताकि उन्हें उनका आशीर्वाद मिल सके। जच्चा और बच्चा के सिरहाने पर कटार रखी जाती है जिससे नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। किसी घर में अगर नवजात शिशु हो तो उसके पास सीधा कमरे में नहीं जाना चाहिए। थोड़ी देर बाहर रुकना चाहिए ताकि अगर हमारे साथ कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो तो वो बाहर ही रह जाए। बच्चों को कभी भी दूध या कोई भी सफ़ेद चीज़ बाहर ना खिलाएं ना पिलाएं। माना जाता है कि बच्चों को बाहर दूध पिलाने से उन पर नज़र लग सकती है।